जे तुसी ये सोचते हो कि कुड़ियां पतले फिगर अते अप्स वाले मुंडे ही पसंद करदियां ने ता तुहाडी इस मिसअंडरस्टैंडिंग नू मैं थोड़ा जिहा दूर कर देवां। जी हाँ, एक अजिहा कबीला भी है जिथे दियां कुड़ियां नू सब तो मोटे पेट वाला मुंडा ही पसंद आंदा है अते नाल इस करके कुड़ियां विच लड़ाई भी हो जांदी है। लड़ाई दा कारण उस मोटे पेट वाले नाल व्याह करवाउणा हुंदा है। जी बिल्कुल सही सुनिया तुसी, जिथे दियां कुड़ियां बौद्धी कबीले दे सब तो मोटे आदमी नाल व्याह करन दे लई उत्सुक रहिंदियां ने। सत श्री अकाल, साडे इस चैनल दे उपर तुहाडा स्वागत है। साडे चैनल नू लाइक ते सबसक्राइब जरूर करो तां जो तुहाडे तक सब तो पहला वीडियोज़ पहुँचण। ते चलो शुरुआत करदे आ। वैसे तां तुसी भी अपनी सेहत नू लै के परेशान रहिंदे होवोंगे कि उफ मोटा भार है, ते नाले सवेरे शाम तुसी जिम दे बाहर मुंडे कुड़ियां नू जरूर देखदे होवोंगे, नाल जिम दे नाल तुसी खाण पीण दी डाइट वी प्लान करदे होवोंगे। मुंडे कुड़ियां नू प्रभावित करन दे लई सिर्फ अपने शरीर नू बनाउण दे लई जम जांदे ने, ते जेकर मुंडियां दे पेट दी चर्बी है यानी पेट वड्डा है ता समझ लो कि हुण कोई भी कुड़ी उन्हां नू कोई वैल्यू नहीं देवेगी। पर आज मैं उस गोत्र बारे गल करन जा रही हां जिथे आदमी दा पेट जिन्ना वड्डा होवेगा उस नू उन्ना ही हैंडसम होण दा खिताब दित्ता जांदा है। चलो हुण तुहानू दसदी हां कि मैं किस कबीले दी गल कर रही हां। दरअसल इथोपिया दे एक दूर दुराड़े खेतर ओमो वैली विच रहण वाले बोधी कबीले विच ए मान्यता है। तुहानू दस देवां जिथे हर साल इस कबीले दे विच एक मुकाबला हुंदा है, सब तो मोटे आदमी दा मुकाबला। जी हाँ, इस विच जितण वाला पिंड विच सब तो खूबसूरत व्यक्ति बनिया जांदा है। उस समय कुड़िया उस नाल व्याह करवाउण दे लई लड़न लगदियां ने। इस मुकाबले नू जितण लई कबीले दे आदमी 6 महीने पहलां ही तैयारी शुरू कर दिंदे ने। ओह वध तों वध मोटापा वधाउण दी हर कोशिश करदे ने। हुण तुहानू दसदे हां कि इस मुकाबले लई मुंडे तैयारी किवें करदे ने। कबीले दा सब तों मोटा व्यक्ति बनण दी तैयारी करना बहुत मुश्किल है। इस दे लई लोग 6 महीने पहलां ही वक्खो वक्खरे उपा करना शुरू कर दिंदे ने, जिस दे लई गां दा खून अते दुध पीना सब तों उत्तम मन्निया जांदा है। उन्हां पिंड वासियां दे हिसाब नाल इस दे कारण पेट अते आले दुआले दे खेतर विच चर्बी जल्दी जमा हो जांदी है। इस दे नाल ही पुरश मुकाबले तों 6 महीने पहलां ही वक्रियां झोपड़ियां विच रहना शुरू कर दिंदे ने। इस समय दौरान उन्हां नू जिनसी संबंध बनाउण दी इजाजत नहीं हुंदी, ओह सिर्फ गां दा खून अते दुध पी के अपना गुजारा करदे हन। तुहानू दस देवां इह लोक बिना किसी घबराहट दे खून विच मिलाया होया दुध पींदे ने, हालांकि कुछ खून विच मिलाया दुध नहीं पी पांदे अते इस दे उल्ट करदे ने। झोपड़ी विच 6 महीने बिताउण तों बाद ओह मुकाबले दे दिन अपने मोटे पेट नाल सारिआं दे सामणे आउंदे ने। फिर मुकाबला हुंदा है जिस विच जिसदा पेट सब तों मोटा हुंदा है उसनूं सब तों सुंदर व्यक्ति होण दा खिताब वी दित्ता जांदा है। बौद्धी गोत विच सुंदरता दे वक्खो वक्खरे अर्थ हन, हालांकि मोटापा मर्दां नूं सुंदर बणाउंदा है। ते हुण तुसी सोच रहे होवोंगे कि जे मोटे पेट वाला मुंडा सब तो हैंडसम होंदा है ता किस तरह दी कुड़ियां नू सब तो सुंदर मन्या जांदा होवेगा, है ना। ए वी दस दवां कि इस कबीले दियां कुड़ियां दे शरीर ते जिन्ने ज्यादा निशान होणगे उन्हां कुड़ियां नू उन्हां ही ज्यादा सुंदर मन्या जांदा है। कुड़ियां दे शरीर नू चाकू जां ब्लेड नाल कट के कई तरह दे निशान वी बनाए जांदे हन, क्योंकि इथोपिया दे ओमो वैली दे विच रहण वाले मर्द अजिहियां कुड़ियां नू बहुत पसंद करदे ने। तां अज वीडियो विच असीं जाणिया कि किवें जिथे असीं आप्स वाले मुंडे नू पसंद करदे ने ते दूजे पासे इथोपिया विच किवें मोटे पेट वाले मुंडे लई लड़ाई शुरू हुंदी है। जी हाँ, उत्थे कुड़ियां दे विच लड़ाई हुंदी है कि सब तो मोटा वाला जिहड़ा बंदा है ओह मेरा ही है। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।